मेरा नाम चंदन है और आज मैं आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा। आपको आज मैं इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसके उत्तर और प्रश्नों को समझाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं उन लोगों से भी वीडियो शेयर करने की रिक्वेस्ट करूंगा जिनका बिहार, जैसे कोई इंटर के स्टूडेंट हो या कोई ऐसे भी लोग हो बिहार के जो बिहार बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो, फिर भी उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए जिनके लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को टोटल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो आएंगे 50। टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 50, तो एक प्रश्नों के लिए आपको एक नंबर मिलेगा। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देख लेते हैं, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत स्टोरी है वो किस वर्ग से रिलेटेड है? आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर पहला ही है, क हो जाता है, यानी कि मध्यम वर्ग। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 3 है, मैक्स मुलर ने सर्व संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? मैक्स मुलर ने जो अपना आपके जो बुक में कहानी थी उसमें विवरण दिया था वो किस देश के बारे में दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि अपने इंडिया के बारे में ही मैक्स मुलर ने बताया था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गध की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये गध की कौन सी विद्या के रिलेटेड स्टोरी आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ललित निबंध। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस बार भी पूछा जा सकता है। ये बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ये एक तरह से इससे भी काफी सवाल आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का जो हो जाएगा देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। वैसे भी आप इस बार तो वैसे आपको फील करनी है नहीं, आपका कंप्यूटराइज ही फील आएगा कॉपी, लेकिन पहले अगर आप हिंदी के पेपर में लिपि लिखनी होती थी तो आप देवनागरी लिखते थे, तो इसका वैसे ही पता लग रहा है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, इंग्लिश की रोमन होती है। तो चलिए अगला 6 नंबर सवाल देख लेते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो पूरा नाम था वो था घ, दिल बहादुर। 7 नंबर सवाल देख लेते हैं, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा के मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। दोस्तों आप लोग एक प्रश्न में एक चीज देख रहे होंगे कि आप लोग का जो कौन से कहानी के लेखक कौन है, इससे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने चैप्टर का जो पहला पेज होता है उसके ऊपर ही लिखी होती है आपकी स्टोरी और उसके राइटर का नाम, तो आप उसे याद कर ले। अभी याद कर ले, अभी काफी समय है, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो अगला सवाल देख लेते हैं, पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस कला से संबंधित है? 8 नंबर सवाल है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नृत्य कला। अगला सवाल देख लेते हैं, अवानवियों की कहाँ स्थिति है? 9 नंबर सवाल है, अवानवियों की कहाँ स्थिति है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, फ्रांस। अगला सवाल देख लेते हैं, 10 नंबर सवाल देख लेते हैं, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, 3। अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्ला खां प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते ही होंगे बिस्मिल्ला खां जो है उनकी तस्वीर शहनाई के साथ आती है, यानी कि वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध है।
अगला सवाल देख लेते हैं, महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, यानी कि उन्हें सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब होता है गुरु नानक देव ने किया था, ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। तो अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल लेते हैं, इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बराए किस कवि के लिए कहा गया है? यह जो लाइन है, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया? तो इसका सही जवाब होता है घ रस खान के लिए कहा गया। 15 नंबर सवाल देखते हैं, घन आनंद जीवन दायक हो कछु मेरियो परी हिय परसों में किस कवि का नाम आया है? तो इसमें घनानंद का ही नाम आया है। देखिए यहाँ घनानंद आ रहा है, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे, आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो प्रश्न में ही छुपे होते हैं। आपको एग्जाम में बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है और सभी सवालों को आराम से जवाब देना है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सब विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत लखात डैश कछु न आब भारत म दर्शात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें फील करना है इस खाली जगह पे क्या भरना है, तो इस खाली जगह पे आपको भरना है 16 का ख भारतीयता भरनी है। अगला सवाल देख लेते हैं, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो इसका सही जवाब जाएगा 17 का क। अगला सवाल लेते हैं, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? जनतंत्र के जन कविता के कवि है, इसके कवि जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो अगला सवाल देख लेते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम है? अज्ञेय का पूरा नाम जो है वो है ग सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला सवाल देख लेते हैं, आप लोग ये जो प्रश्न है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये 2019 का मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारे द्वारा तैयार किया गया, तो आप इससे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आए एग्जाम में भी आएंगे, एजीटी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला 10-20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार जो कहा था वृक्ष को कहा था। अगला सवाल देखिए, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, इसमें क्या फील करना है? इसमें आपको भरना है कुछ इंच बढ़ गए पेड़। अगला सवाल देखिए, 22 अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? स्तर ज्ञान परीक्षा जो बच्चों की किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षण। अगला 23 नंबर सवाल देखते हैं, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का मातृभूमि आना चाहता है कभी, अब बंगाल में जो कि स्थित है। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं, रेनर मारिया रिल्को द्वारा रचित कविता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु का। 25 नंबर सवाल देखते हैं, मगमा क्या बेचती थी? मगमा जो बेचती थी वो बेचती थी दही। अगला 26 नंबर सवाल देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको पता ही है बाढ़ सबसे ज्यादा कहाँ आता है, सबसे ज्यादा बाढ़ वैसे तो अपने बिहार में आता है, लेकिन इसका सही जवाब
बिहार नहीं है, इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो आप बिहार मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। अगला सवाल देखिए, मंगू जो है वो किस कहानी के पात्र है? मंगू जो था वो माँ स्टोरी के पार्ट्स है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माँ। अगला 28वां नंबर सवाल देखते हैं, पप्पा पति किस रोग से ग्रसित थी? पप्पा पति जो थी वो किस रोग से ग्रसित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनिनजाइटिस। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने घर में घुटन महसूस होता है, यानी कि क। 30 नंबर सवाल देखते हैं, व्यंजन क्या है, सॉरी व्यंजना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजना जो है वो शब्द शक्ति है, क। अगला सवाल देखिए, ये काफी इम्पोर्टेंट होता है, ग्रामर से सवाल है। अब सारे सवाल लगभग ग्रामर के आएंगे। लोटा डोरी कौन सा समास है? तो लोटा डोरी जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। 32 नंबर सवाल देखिए, व्याकरण वह ज्ञान है जो व्याकरण की खासियत बतानी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख। व्याकरण जो होता है मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यानी कि व्याकरण का प्रयोग किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए किया जाता है। आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए 33, विद्यानुराग कौन सा समास है? तो विद्यानुराग जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। मैं आप लोगों को समास का पूरा चैप्टर का वीडियो बना के लाऊंगा, और ग्रामर के संधि समास जो भी है सबके पूरे ग्रामर चैप्टर का वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो लाऊं आप लोगों के पास नोटिस आए। 34 नंबर सवाल देख लेते हैं, 34 नंबर सवाल है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, प्रत्येक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे प्रति प्लस एक प्रत्येक। 35 नंबर देखिए, प्रेमी प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा प्रेम बेटिका के दोरू मालिन द्वंद में कौन सा रस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगार रस। इसमें सिंगार के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 36 नंबर, धूला भरा मैला सांचल, गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो अलंकार है वो है रूपक। अगला सवाल देख लेते हैं, 37 नंबर, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वो है जो, इसका सही जवाब हो जाएगा कहीं होगा, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला 38 नंबर सवाल देखते हैं, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, में कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो? तो आपको दिख रहा होगा कि ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि कई सारे वाक्यों को एक साथ जोड़ के बोला गया है। अगला जवाब देखिए, काव्य गुण के प्रकार है, काव्य जो होते हैं वो कौन से गुण के होते हैं? तो वो होते हैं सरस, ख। अगला सवाल देखिए, वाच्य कितने भेद के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। अगला सवाल देखिए, बातों की जलेबी छन्ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। अगला देखिए, शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है असभ्य। 43 नंबर देखिए, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में जो प्रत्यय होता है वो होता है
एक। अगला सवाल देखिए 44 नंबर, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो इसके अंदर जो काल है वो है भूतकाल है, क्योंकि पीछे की बात का जिक्र किया जा रहा है। दक्षिण शब्द का संज्ञा होगा, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण शब्द में संज्ञा जो, दक्षिणी शब्द में संज्ञा जो है वो है दक्षिण। अगला 46 नंबर सवाल देखते हैं, फरमाइश कौन सी लिंग है? तो फरमाइश जो होता है वो होता है स्त्रीलिंग। अगला 47 नंबर सवाल देखते हैं, सामग्री का बहुवचन बताना है आपको, तो सामग्री का बहुवचन होता है वो होता है सामग्रिया। 48 नंबर सवाल देख लेते हैं, नौबत तक खाना का अर्थ है, नौबत तक खाना का अर्थ जो होता है वो होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ग। अगला सवाल देख लेते हैं, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है प्रयास करना, प्रयास करना कोशिश करना एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द यानी कि सेम। अब विपरार्थक या विलोम होता है अपोजिट। अगला सवाल देखते हैं, कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो कर्म जो है वो आधुनिक स्टाइल में उसको कर्म लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो।